और मैं हूँ हफ्सा बानो सिद्दीकी। हापुड़ में आज दिल्ली में लाल किले पर हुई हिंसा का विरोध करते हुए किसानों और राष्ट्रीय सैनिक संस्था के पदाधिकारियों ने असामाजिक तत्वों का पुतला फूंका और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। अपनी जायज मांगों को लेकर धरना दे रहे किसानों का उन्होंने समर्थन किया है। संस्था के पदाधिकारियों ने लाल किले पर धार्मिक झंडा फहराने वाले असामाजिक तत्वों को फांसी और गोली मारने की मांग की है। बता दें कि किसानों और राष्ट्रीय सैनिक संस्था के पदाधिकारियों ने स्वर्ग आश्रम रोड पर बैठक करते हुए हिंसा करने वाले आरोपियों पर ये कार्रवाई की मांग की। इसके साथ ही किसानों पर हुए मुकदमे को लेकर जांच करने की भी मांग की है। सर, क्या नाम है आपका? ज्ञानेंद्र त्यागी। आप किस चीज को लेकर यहाँ पे विरोध प्रदर्शन है, किसका पुतला फूंका है? ये जो पुतला फूंका है, जिन्होंने भी ये हरकत की है, जो वहाँ पे जिसने हमारे राष्ट्रीय ध्वज को जो उसका अपमान किया है और अपना विशेष जो ध्वज वहाँ फहराया है, ये जो है इसकी राष्ट्रीय सैनिक संस्था जो है कठोर निंदा करती है। और इसीलिए जो है हमारी पूरी संस्था में हमारी मातृशक्ति भी है, महिलाएं भी हैं, युवा भी हैं, सब इसकी कठोर निंदा करते हैं। तो अब जिस तरीके से किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, तो आप इसका समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं? देखिए, किसानों का जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, 2 महीने से चल रहा है, अगर ये कुछ काम अगर किसान करते तो अब से पहले कर देते। वो किसान हो ही नहीं सकता जो तिरंगे का अपमान करता है, वो किसान नहीं हो सकता। किसान ने तो इस लॉकडाउन में अपना पेट काट करके पूरी दुनिया का पेट भरा है इस पूरे हमारे लॉकडाउन में। तो किसान क्या ऐसा, ये सारे किसान की संतान हैं, बहुत शहीद हुए हैं इस तिरंगे को फहराने के लिए, बहुत कुर्बानी दी है जब ये तिरंगा हमारा फहराया जाता है वहाँ पे। तो किसानों का समर्थन करते हैं? बिल्कुल, मुख्य मांगों पे हम किसानों का समर्थन, जो हमारा न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसकी मांग पे हम आज भी किसानों के समर्थन में खड़े हुए हैं। तो पुतला फूंके क्या संदेश? देखो, पुतला फूंके तो संदेश ये जा रहा है, जो हमारी तोहीन जो हमारी दुनिया में हुई है, वहाँ पे जो हमारे राष्ट्रध्वज का अपमान करा है, तो ऐसे लोगों को जो है मांग करते हैं उन्हें तत्काल जो है फांसी पर चढ़ा दिया जाए, और जो बिल्कुल बेकसूर किसान हैं उनके भी जांच करा करके दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बेगुनाह नहीं बसने चाहिए और गुनाहगारों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। धन्यवाद। और भी ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हापुड़ हलचल।